दो दोस्तों के साथ एक साथ हुआ बड़ा हादसा, परिजनों में मचा कोहराम, सड़क हो गया पूरी तरह से जाम। आसपास के लोगों ने पहुंचकर सड़क पर दो दोस्तों की बचाई जान। बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सिवान जिले में सड़क हादसे में दो दोस्त एक ही साथ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी घटना सिवान जिले के दौरंदा थाना क्षेत्र में घटी हुई है, जहां पर दौरंदा थाना क्षेत्र के रंगरौली गांव के समीप दो दोस्त एक ही साथ बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक वहीं पर गिर गए और दोनों की स्थिति गंभीर हो गई है। दोनों युवक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी नरेंद्र सिंह के पुत्र युवराज सिंह और विनय कुमार सिंह का पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवक को महाराजगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्रथम उपचार कर सिवान के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दौरंदा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लोगों ने बताया कि चार पहिया वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस किस गाड़ी से यह घटना घटी हुई है उसकी खोजबीन में जुट गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार जिस तरह सड़क हादसे में लोगों की जाने जा रही है, उसके बावजूद भी परिवहन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इस पर चाहिए कि परिवहन विभाग को कोई ठोस कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटना न घटे।